नमस्कार दोस्तों, आइए आज अपन वर्तमान परिवेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसी से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आज आप सभी लोग समाचार पत्र तो पढ़ते ही होंगे, आज के समाचार पत्र भास्कर के माध्यम से जिन पांच अध्यात्म गुरुओं ने आत्मनिर्भरता की व्याख्या की है उससे सहमत होते हुए हम भी इस विषय में चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भर शब्द एक बहुत ही रहस्य और गूढ़ रहस्य वाला शब्द है। आत्मा पर निर्भर रहना आत्मनिर्भर कहलाता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ये हम सब जानते हैं। इसी तारतम्य में आत्मनिर्भर क्या है, आत्मनिर्भर अपन कैसे रह सकते हैं, इस संबंध में अपन चर्चा करते हैं। हम बताते हैं हमारे अनुभव के अनुसार कि मनुष्य जो भी अपनी मन से अपने आत्मा से यदि कोई कार्य करता है तो वह 90% तक तो सफलता प्राप्त करता है, ये एक अनुभव वाली बात है। इसलिए आत्मनिर्भर, आत्मा के ऊपर निर्भर रहना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। आत्मनिर्भर एक संकुचित शब्द नहीं है, एक व्यापक शब्द है, इसको व्यापकता में लेना चाहिए। आत्म का मतलब स्वयं नहीं, स्वयं से भी हटकर जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, अपने निर्णय पर अपनी अच्छाई अपनी बुराई दोनों को समान दृष्टि से देखते हुए कार्य करता है वह आत्मनिर्भर कहलाता है, ऐसा मेरा मानना है। आत्मा की जो बात सुनता है समझता है वह व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। इस समय क्या है, अभी पूरी मानवता पूरी मानव जाति एक विशेष संकट संघर्ष में जीवन जी रहा है, इस रास्ते पे संकट वाले रास्ते पे चल रही है पूरी मानव जाति। तो अपने को अपने घर परिवार में रहकर अपने बच्चों को परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर कैसे बनना है सिखाना है, इसके लिए अध्यात्म का सहारा ही एकमात्र विकल्प है। अध्यात्म यानि आत्मा से संबंधित जो जो भी विषय हैं, विषय वस्तु हैं, उन पर अपने को ध्यान देना। जैसे कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले शारीरिक क्षमता आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। यदि जिस व्यक्ति में आत्मबल है तो ये समझिए कि उसके 90% बीमारी या कोई भी बुरी बात या बुरा समय उसका नहीं आएगा। बीमारी होगी तो वह भी निकल जाएगी शरीर से, ये एक 100% सही बात है। जिसके पास आत्मबल है वह किसी भी दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है, बुराई से लड़ सकता है। यह एक बहुत सोचनीय और समझने योग्य बात है। आत्मबल का होना आत्मनिर्भरता का ही एक निशानी है, ये इस प्रकार से समझिए। यदि आप ये सोचेंगे सुबह से लेकर रात को सोने तक कि मैं बहुत बलवान ताकतवर हूं, मेरे में कोई भी रोग नहीं हो सकता मेरे इस शरीर में, इस प्रकार के विचार आप रखेंगे तो यह एक आत्मनिर्भरता वाली बात हुई। और इससे निश्चित रूप ही आप करके देखना,
ये एक कोरी बात नहीं है, ये एक अध्यात्म और आत्मनिर्भरता से संबंधित बात है कि जिस चीज को अपन बार बार सोचेंगे, हमारा मन सोचेगा, हमारी आत्मा सोचेगी, वैसी ही परिस्थिति बनना शुरू हो जाएगी। ये एक निश्चित रूप से सत्य बात है। वर्तमान में जो समस्या चल रही है उसका नाम भी मत लो अपने घर परिवार में, उसको आप मानो ही मत। जिस परिस्थिति में है हमको उस परिस्थिति में रहना सीखना है, यह आत्मनिर्भरता होगी। उस चीज पर आप ध्यान ना दें, ये सोचें कि मैं इस परिस्थिति से लड़ सकता हूं, मेरे में लड़ने की क्षमता है, सामर्थ्यता है, मैं किसी भी चीज से इस प्रकार की बीमारी से या बुरी परिस्थिति या बुरे समय से लड़ सकता हूं, लड़ने की सामर्थ्यता है। यह एक आत्मबल का काम ही है जो कि आपकी सारी बीमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। इसी को हम आत्मनिर्भरता कह सकते हैं। हमारे घर में जो भी सदस्य हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप ये सिखाना है कि हम में भगवान के दी हुई सामर्थ्यता हमारे शरीर में है, उसका उपयोग करना है। उसको बार बार याद आप करिए तो आप में निश्चित रूप से आत्मबल बढ़ेगा और कम से कम 90% आप इस संसार में बुराइयों से बीमारियों से लड़ने में सक्षम और सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे, हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही है। इसी विषय से संबंधित आत्मबल बढ़ाने के लिए भगवान की कृपा से हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ग्रंथ हैं और उनमें उपाय भी दिए गए हैं। उन्हीं में से एक उपाय है हनुमान चालीसा और इसी से संबंधित बजरंग बाण। यदि बजरंग बाण का पाठ मनुष्य या कोई भी इसको करेगा, इसमें जात धर्म और इसकी नहीं ध्यान देगा, नहीं देखेगा और वो इस बात पर गौर करे, ध्यान दे, तो बजरंग बाण का पाठ करने वाला व्यक्ति स्वयं में इतना आत्मबली हो जाता है कि वह खुद नहीं अपने जैसे सैकड़ों हजारों लोगों को संभाल सकता है। बुरे समय में, बुरे वक्त में बीमारियों से लड़ने के लिए और आत्मनिर्भर बना सकता है वह बजरंग बाण। यदि आप लोगों को दोस्तों बजरंग बाण प्राप्त ना हो तो हमारे इस विधि विधान न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं। इसके जो रहस्यात्मक विधि विधान है वह आपको मैं पूरी पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा, जिससे आप लाभान्वित हों और आत्मनिर्भर भी बने। बस आज के लिए इतना संदेह है।